Good morning, dear students, and welcome back to our online class. Students, we have completed 17 chapters in our English grammar. So today we are going to start with our textbook. Now in textbook we will start with 12th chapter, House Mouse. Okay, ये एक story है एक घर की जिसमें एक लेडी रहती है और उस घर में एक चूहा रहता है बस और कोई नहीं रहता. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी. मिसेस मेलोडी हैड नो चिल्ड्रन, नो फ्रेंड्स, नो कैट, नो डॉग एंड नो पैरेट. मिसेस मेलोडी जो उस घर में रहती हैं उनके पास कोई भी ना कोई बच्चा है, ना उनका कोई फ्रेंड है, ना कोई डॉग है, ना कोई कैट है, ना कोई पैरेट है. वो अकेली उस घर में रहती है. She lived alone. When people said good morning to her, she scolded. अब वो उस घर में अकेली सी रहती है और जब लोग उसे, जब उसके आस पड़ोस वाले उसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो बहुत ही गुस्से से उन्हें देखती है. When the postman brought her letters, she opened the door the smallest crack to take them in and banged it shut again. अब जब है ना पोस्टमैन आता है लेटर्स देने के लिए तो दरवाजे का एक छोटा सा हिस्सा जो है विंडो की तरह होता है वो उसे ही खोलती है और अपना लेटर लेके और डोर को शट कर देती है. ऑल डे लॉन्ग शी क्लीन हर हाउस, वाइप्ड द विंडोज, पॉलिश्ड द फर्नीचर एंड स्क्रब द सिंक. नोबडी एवर केम टू हर हाउस. अब पूरा दिन जो है वो घर को साफ करती रहती है, विंडोज को साफ करती रहती है, फर्नीचर को पॉलिश करती रहती है, सिंक को साफ करती रहती है. पूरा दिन बस वो अपने घर में काम करती रहती है लेकिन उनके घर में कोई भी नहीं आता. अंडर हर सिंक देयर लिव्ड अ माउस. ही वॉज लोनली टू. ही डिड नो हार्म टू द हाउस. ही डिडंट ईट द चीज. ही डिडंट मेक होल्स इन द वुडवर्क एंड ही डिडंट लीव डर्टी पॉ मार्क्स ऑन द शेल्फ्स. He found all his food outdoors and came indoors only to get some company. अब उस घर में जो किचन है उसके सिंक में एक माउस रहता है जो अकेला है. वो घर में कोई भी नुकसान नहीं करता, ना वो चीज़ खाता है, ना वो वुड जो भी उनका वुड है जो भी फर्नीचर है उसमें कोई होल्स करता है, ना वो चीज़ों को फाड़ता है, कपड़ों को फाड़ता है, ना गंदे निशान कहीं पर रखता है. वो कुछ भी घर को नुकसान नहीं पहुंचाता है. वो बस घर से बाहर जाता है, अपना पेट भरता है और वापस घर में आ जाता है उस मिसेस मेलोडी की कंपनी के लिए. बट मिसेस मेलोडी डिडंट लाइक माइस. व्हेन शी कॉट द साइट ऑफ हिम शी येल्ड एज इफ अ टाइगर हैड कम इनटू द किचन. अब मिसेस मेलोडी है जो उन्हें ये जो माउस है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है. जैसे ही वो उनकी नज़रों में आता है तो वो जोर से चिल्लाती है जैसे किसी टाइगर को देख लिया हो. दिस फ्राइटेंड द माउस अवे बट द माउस डिड नॉट स्टे अवे फॉर लॉन्ग बिकॉज ही वॉज वेरी लोनली. सो ही केम बैक टू मिसेस मेलोडी एंड लिव्ड अंडर द सिंक एंड ट्राइड टू कीप आउट ऑफ हर वे. अब जो है वो माउस जो है इसे देख के खुद ही बहुत ज़्यादा डर जाता है, इसीलिए वो कोशिश करता है कि वो मिसेस मेलोडी से थोड़ा दूर ही रहे. ओके, और चुपचाप से अपने सिंक के अंदर बैठा. वन डे मिसेस मेलोडी स्पेंड द मॉर्निंग डस्टिंग एवरीथिंग इन द हाउस. आफ्टरवर्ड्स शी वॉश्ड द डस्टर्स एंड हंग देम आउट साइड बाय साइड टू ड्राई ऑन द क्लोथ्स लाइंड इन द गार्डन. एक दिन मिसेस मेलोडी जो है वो सारा घर जो है डस्टिंग कर रही थी. फिर उन्होंने क्या किया, जो डस्टिंग का कपड़ा होता है उसे हम डस्टर्स कहते हैं, तो उस डस्टिंग के कपड़ों को वॉश करके उन्होंने बाहर गार्डन में लाइन बाय लाइन उनको सुखा दिया. देन शी एम्प्टीड आउट द सोपी वाटर बट ड्रॉप्ड द सोप. व्हेन शी बेंट टू पिक इट अप शी स्लिप्ड एंड फेल ऑन द किचन फ्लोर. फिर उन्होंने क्या किया, सोपी जो भी साबुन वाला पानी था उसको खाली करी थी लेकिन साबुन जो है वो उनके हाथ से स्लिप होके नीचे गिर गया. तो वो जैसे ही उसे उठा
उठाने के लिए नीचे झुकी तो वो खुद फ्लोर पे स्लिप हो गई. द माउस वॉज स्केयर्ड टू फाइंड मिसेस मेलोडी लाइंग ऑन द फ्लोर विथ हर आईज शट. ही रैन राउंड एंड राउंड हर. ही इवन टिकल्ड हर चिन विथ हिज शार्प लिटिल नोज. बट नथिंग वुड वेक हर अप. व्हेन मिसेस मेलोडी डिड वेक अप शी फाउंड शी कुड नॉट मूव. अब उसने क्या किया, माउस जो है वो डर गया मिसेस मेलोडी को आंखें बंद करके फ्लोर पे सोए हुए देख के वो डर गया. तो उसने बहुत कोशिश की, उसके आसपास घूमा, उन अपनी नाक से उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन वो हिली नहीं. लेकिन थोड़ी देर के बाद जब मिसेस मेलोडी उठी तो उन्होंने देखा कि वो अपने आप से खड़ी नहीं हो पा रही है और वो हिल भी नहीं पा रही है. ओ लिटिल माउस, इफ ओनली यू वर एबल टू हेल्प मी, शी सेड. इफ यू वर अ कैट यू कुड फेच द नेबर्स, एंड इफ यू वर अ डॉग यू कुड बार्क टिल समबडी केम. इफ यू वर अ पैरट यू कुड शाउट हेल्प हेल्प, बट आई डोंट थिंक अ माउस कैन डू एनीथिंग एट ऑल. अब वो माउस से क्या बोलती है कि तुम बहुत ही छोटे हो, अगर कोई बिल्ली होती तो वो किसी को जाके मेरे पास लेके आती, या अगर तुम डॉग होते तो तुम बात करके लोगों को बता सकते या मेरे पास बुला सकते, और अगर तुम कोई पैरट होते तो तुम हेल्प हेल्प बोल के लोगों को मेरे घर पे ला सकते मेरी हेल्प करने के लिए. लेकिन तुम तो एक छोटे से चूहे हो, तुम क्या करोगे, मेरी हेल्प नहीं कर सकते तुम. बट द माउस रैन आउट इन टू द गार्डन एंड लुक्ड अराउंड ऑन द क्लोथ्स लाइन. Mrs. Melody's dusters were blowing in the wind. Then the mouse had a great idea. अब उसने क्या किया, वो बाहर गया और गार्डन में उसने इधर उधर देखा तो उसने देखा कि मिसेस मेलोडी के जो डस्टर्स थे उन्होंने सुखाए थे जो कपड़े, वो वहाँ पे गार्डन में हैंग किए हुए थे. तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया. He ran up the post that held the line and began to nibble at the dusters. He bit till the first duster looked like a big edge. Then he attacked the next and nibbled it into an E. The third duster became an L and the last a P. अब उसने क्या किया कि वो उस डोरी पे चढ़ गया और उसने जो है उन कपड़ों को जो क्या बोलते हैं निबल करना, मतलब वो चूहे जो कुतरते हैं ना चीज़ों को, तो उसने उन कपड़ों को कुतरना स्टार्ट कर दिया. और उसने कैसे किया, फर्स्ट वाले कपड़े को इस तरह से खाया उसने जैसे उस पर एच लिखा हो, सेकेंड वाले पे ई बना दिया, थर्ड वाले पे एल बना दिया और फोर्थ वाले पे पी बना दिया. हेल्प हंग ऑन द लाइन वेविंग इन द विंड. द नेक्स्ट डोर नेबर सॉ इट फ्रॉम हर विंडो. अब उसके पड़ोसी ने देखा कि मिसेस मेलोडी के टेरेस पे कपड़े लगे हुए जिन पे लिखा हुआ है हेल्प. ओके समथिंग इज रॉन्ग एट मिसेस मेलोडीज, शी शाउटेड. इन अ मिनट एवरीबॉडी वाज रनिंग टू मिसेस मेलोडीज हाउस. अब जैसे ही उनकी नेबर ने देखा कि कुछ तो गलत है इनके घर पे मिसेस मेलोडी के साथ, और ये देख के सारे नेबर्स जो हैं उनके घर की तरफ दौड़ने लगे. द माउस वेंट बैक अंडरनेथ द सिंक. सून द डॉक्टर अराइव्ड एंड देन द एम्बुलेंस. मिसेस मेलोडी वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल. अब माउस जो है वो वापस अपने सिंक में चला गया, वहाँ पे नेबर्स आ गए, डॉक्टर्स आ गए और फिर जल्दी से एम्बुलेंस को भी बुला लिया. मिसेस मेलोडी हैड ब्रोकन हर लेग. एवरीवन वॉज काइंड टू हर एंड द नेबर्स ब्रॉट हर स्वीट्स एंड फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. मिसेस मेलोडी का जो है पैर टूट गया था और सब लोग उससे बहुत ही प्यार से बात कर रहे थे, उनके लिए फ्रूट्स फ्लावर्स स्वीट्स सब ला रहे थे. मिसेस मेलोडी बिगेन टू स्माइल व्हेन शी सॉ देम कमिंग एंड शी ऑल्सो स्माइल्ड एट द नर्सेस एंड द डॉक्टर्स एंड इवन एट द अदर पेशेंट्स. शी बिकेम क्वाइट अ पॉपुलर ओल्ड लेडी इन द वार्ड. नाउ मिसेस मेलोडी जो है वो सबसे हंस के बात करने लगी, कोई भी आता था तो वो उन्हें स्माइल देती थी, तो वो धीरे धीरे वो पूरे वार्ड में जो है बिल्कुल बहुत ही फेमस ओल्ड लेडी होने लगी. बट वॉट वी कांट अंडरस्टैंड इज हाउ यू एवर हंग दैट मैसेज ऑन द क्लोथ्स.
time when your leg was broken, the neighbors said, if we hadn't seen it, you might be lying there now. अब उसके नेबर ने पूछा कि हमें समझ में नहीं आता कि आपका पैर टूटा हुआ था तो आपने वो गार्डन में वो हेल्प का जो हंग किया हुआ था वो कैसे किया था, अगर हमने वो नहीं देखा होता तो आप तो वहीं पड़ी होती अभी तक. What message? Asked Mrs. Melody. अब वो बोलती है कौन सा मैसेज, मैंने तो कोई मैसेज नहीं रखा था. They brought her the dusters and laid them out on her bed. Help, she read. अब उन लोगों ने क्या किया, उनके घर के गार्डन से वो जो हेल्प लिखा हुआ है, जो डस्टर्स थे, उनको लेके आए और उन्हें रख के और दिखाया. तो उसने पढ़ा, उस पर क्या लिखा हुआ था, हेल्प. इट लुक्स एज इफ दे हैड बीन ईटन अवे, सेड द नेबर्स. अब उसके नेबर्स ने कहा हमें लगता है शायद इसे किसी ने खाया है. आई बिलीव इट वॉज माई माउस, सेड मिसेस मेलोडी. तो मिसेस मेलोडी बोलती है कि मुझे यकीन है कि ये मेरे माउस ने किया है. देन मिसेस मेलोडी केम होम, पीपल केम विजिटिंग द हाउस, मिसेस मेलोडी इंट्रोड्यूस्ड ऑल ऑफ देम टू द माउस. ही फेल्ट अ लिटिल शाय बिकॉज देयर वाज सो मच अनएक्सपेक्टेड अटेंशन. नाउ मिसेस मेलोडी ठीक होकर अपने घर आ गई तो लोग उनसे मिलने आते थे और वो सब लोगों को अपने माउस से मिलाती थी. वो बहुत ही शर्माता था क्योंकि सब लोग उसको इतना ध्यान से देखते थे. बट व्हेन द विजिटर्स हैड गॉन अवे एंड ओनली ही एंड मिसेस मेलोडी वर टुगेदर इन द किचन, ही क्रेप्ट आउट फ्रॉम अंडर द सिंक. ही लिसन्ड टू हर टेलिंग हिम दैट ही वॉज द क्लेवरेस्ट माउस इन द वर्ल्ड एंड शी मीन्ट टू कीप द डस्टर्स फॉरएवर टू प्रूव इट. लेकिन जब सब लोग चले जाते थे और सिर्फ मिसेस मेलोडी और वो माउस घर पे होता था तो वो बाहर आके उनसे बातें करता था और मिसेस मेलोडी उनसे कहती थी कि क्या कहती थी कि तुम इस दुनिया के सबसे समझदार माउस हो और ये प्रूव करने के लिए मैं तुम्हारे ये हेल्प वाले जो डस्टर्स हैं ये हमेशा अपने पास रखूँगी. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द स्टोरी हाउस माउस. आई होप आपको ये स्टोरी समझ में भी आई होगी और अच्छी भी लगी होगी. बहुत ही क्यूट सी स्टोरी है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. सो क्वेश्चन आंसर्स आई विल सेंड यू इन पिक्चर्स. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. ओके, टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टे एट योर होम.